योशा। योशा अर्थात जोड़ने वाली, यानी कि स्त्री। पर योशा ही क्यों मनीषा जी? राशि स्त्री की सहज भावनाओं की प्रस्तुति है योशा की इन कहानियों में, जो शायद किसी को अपनी अपनी सी लगे। और अगर ऐसा हो तो समझिएगा कि ये कहानी आपकी ही है। तो आइए सुनते हैं योशा की आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है दाल जल गई। ये दाल इसलिए जली थी क्योंकि आदतें, शौक और रुझान अपने आप से दूर भी ले जाते हैं और अपने आप से तारुफ भी कराते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये कहानी लिखी गई थी कि दाल जल गई। शौक, आदतें और रुझान अक्सर इंसान को रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कुछ अलग करने की राह दिखाते हैं, पर कभी कभी ये शौक, आदतें और रुझान भारी भी पड़ जाते हैं। ऐसी एक शौक की कहानी सुनते हैं। दाल जल गई, भीतर से आती माँ की तीखी आवाज ने युक्ति को चौंका दिया। मदारी के बंदर और बंदरिया के रूठने मनाने के चक्कर में खोई युक्ति भूल ही गई कि उसने गैस पर दाल रखी है। वो रसोई की ओर भागी। दाल वाकई पतीली के पेंदे से लग चुकी थी। भुन भुनाती हुई वो दूसरे अधन पर दाल चढ़ाने लगी और मन ही मन बड़बड़ाने लगी। दुनिया चांद पर पहुंच गई है, पर ये पतीली से कुकर तक नहीं पहुंचेंगे। बाबूजी को पतीली में धीमी आंच पर पकी दाल ही पसंद है। दाल चढ़ाते चढ़ाते उसके दिमाग के चित्रपट पर बंदरिया फिर से ठुनकने लगी थी। खाने के समय माँ ने टोका, बेटा एक समय पर एक ही काम किया करो ना। खाने से निपटकर युक्ति अपनी किताबें लेकर पढ़ने बैठ गई। गणित के सागर में जोड़ घटाव की नाव पर डूबती उतरती युक्ति की तंद्रा अखबार ने भंग कर दी। पंखे की लहरी पर थिरकता अखबार का पन्ना उड़ा तो उसकी नज़र उस पर छपे शब्दों में उलझ गई, और ऐसी उलझी कि उसकी उंगलियों ने कब अखबार को थाम लिया उसे भान ही ना हुआ। वो उछल सी पड़ी थी जब माँ की नुकीली आवाज़ उसके कानों के पर्दों में चुभी। ये भी कोई समय है अखबार पढ़ने का? अखबार में खुदाई में निकले अवशेषों को छोड़ो और अपना होमवर्क पूरा करो। सो जाओ, कल सुबह स्कूल जाना है। कॉलेज में भी अक्सर ऐसा ही होता था कि मैकेनिक्स की किताबें ढूंढती ढूंढती वो कब इतिहास के तानों बानों में बुन जाती थी उसे खुद पता भी न चलता था। परसों ही तो बाबूजी ने कहा था आम धोकर फ्रिज में रख दो। उसने आमों के लिफाफों में से आम निकाले, धोए और फ्रिज में रख दिए। साथ ही रात के खाने के लिए दाल का अधन भी रख दिया। दाल बीनते बीनते उसकी नज़र लिफाफे पर पड़ी। उसने जल्दी जल्दी दाल चढ़ाई और गैस के पास ही खड़ी होकर लिफाफा पढ़ने लगी। उर्मिला की विरह व्यथा शायद साकेत से फाड़ा हुआ कागज था जिसका लिफाफा बनाया गया था। न मालूम किसने इतनी अच्छी किताब रद्दी में दे दी। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाएं तब लौटूं उसी धूल में लौट। आहा कितना प्रेम, प्रेम और विरह जनित पीड़ा की पराकाष्ठा। आंखों के द्वारा विरह व्यथा हृदय में उतर गई और ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो स्वयं उर्मिला हो गई हो। उसके नैन लक्ष्मण की विरह में टूटे बांध की नदी की नाई उमड़े पड़ रहे हों। अचानक उसे घुटन सी महसूस होने लगी, जैसे लगा कि नथुनों में फूलों की सुंदर मीठी महक की जगह कुछ जलने की बू आ रही है। जलने की बू? हाँ, सचमुच दाल जल रही थी। अब की तो घर में किसी ने नहीं बख्शा।
छोटे से लेकर बड़े तक सब ने मजाक उड़ाया और खूब डांटा। वहीं खड़ी थी ना, पता नहीं चला क्या, सारी दाल जलकर हाक कर दी। अम्मा बोली, ये लड़की तो बस पूछो ही मत। दादाजी ने नमक छिड़का, दिमाग ठिकाने पर रखती ही नहीं। अरे भाई, पढ़ने के समय पढ़ो, काम के समय काम करो, दो नावों पर सवार तो गिरता ही है ना। युक्ति उर्मिला की विरह शोक में डूबती उतरती दाल जलने की बात पर स्वयं को दोषी ठहराकर दुखी होने लगी। आखिर इतनी लापरवाह क्यों है वो, क्यों उसे दाल का उबलना, गिरना और जलना पता ही नहीं चला। अभिनय से विवाह की बात चली तो ताई जी ने कहा कि लड़की यहाँ लाकर दिखानी पड़ेगी, और बाऊ जी ने लखनऊ से कानपुर जाने का कार्यक्रम बना डाला। मुश्किल से 2 घंटे का सफर था। हड़प्पा और मोहन जोदाड़ो के इतिहास पर लिखी किताब बैग में डालने लगी तो माँ ने कहा, ये किताबें वहाँ नहीं जाएंगी, और किताब छीन कर मेज पर पटक दी। मन कसैला सा उठा, मुँह से निकला, बोर हो जाऊंगी माँ रास्ते भर। बोर क्यों होगी, हम सब हैं ना बातें करने के लिए। ताई जी ने माँ की बात पर समर्थन की मोहर लगाई। वास्तव में 2 घंटे तो जैसे पंख लगाकर उड़ गए। रिश्ते ही रिश्ते, विवाह के लिए वर और वधु, 8वीं फेल, बीए पास करें, जैसे इश्तिहारों ने आंखों को ऐसा उलझाया कि वाकई समय का तो पता ही नहीं चला। विवाह के बाद जब युक्ति सुहाग कक्ष में पहुंची तो देखा अभिनय हाथ में पीछे कुछ छुपा रहे हैं। उसने मौन आंखों से देखा और पलकें झुका ली। जानती हो मेरे हाथ में क्या है, अभिनय ने पूछा। मौन आंखें, खामोश अधर, पर गर्दन ना में हिल गई। तुम्हारे लिए एक तोहफा। खामोश छिझके अधर, स्थिर गर्दन पर बोलती आंखें, पूछती हुई, क्या? लो, अभिनय ने पैकेट उसकी ओर बढ़ा दिया। गर्मी के मौसम में ठंडे हाथों से पैकेट खोलती युक्ति सोच रही थी कि इसमें कोई कीमती हार या सेट निकलेगा, पर जब सुनहरे कागज का कोहरा छटा तो उसमें से जो धुले हुए कोमल ताप वाले सूरज की तरह झांक रहा था, वो था जयशंकर कृत कामायनी का अमूल्य उपहार। मन मयूर नाच उठा, खुशी के मारे वो धन्यवाद कहना भी भूल गई। आपको कैसे पता चला कि मुझे, युक्ति कहते कहते चुप हो गई। तुम्हारे बारे में जान लेने के बाद ही विवाह किया था, तो क्या आपको भी, उसने फिर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। हाँ, मुझे भी साहित्य में रुचि है, और इस तरह बेला चमेली से सुंदर सजे सुहाग कक्ष में नव दंपत्ति के साथ साहित्यकारों की अनुपस्थित उपस्थिति में वो मधु यामिनी नूतन उषा में परिणीत हो गई। शादी के अवसर पर उल्टा सीधा खा लेने की वजह से सभी का मन तली भुनी चीजों से उबा उबा सा था। माँ जी को तो उल्टी ने धर दबोचा था, तो सर्वसम्मति से दाल भात बनने की योजना बनी। युक्ति ने कहा कि माँ जी आप आराम करें, सादी दाल सब्जी और चावल तो मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, अभी कुछ दिन तुम रहने दो, अभी तो तुम्हारी रसोई छुआई भी नहीं हुई है, माँ जी ने प्रतिवाद किया। आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम ये रस्म भी पूरी कर लेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर बेटा अभिनव को पतीली में बनी दाल पसंद है, तुम दाल कुकर में मत बनाना। सब्जी तो मैं बना ही चुकी हूँ, तुम्हें केवल दाल चावल ही चढ़ाने हैं। दाल बीनकर युक्ति ने पकाने के लिए रखी और चावल पकाने की तैयारी में लग गई। उसने रसोई में लगे श्री कृष्ण के कैलेंडर को देखा और मन ही मन नमन किया, हे भगवान, आज पहली बार यहाँ कुछ पका रही हूँ, लाज तुम्हारे हाथ है। कैलेंडर के नीचे की तरफ नजर गई तो देखा कि भव्य कृष्ण का रूप
रंगों की भव्यता में स्वयं को आंखों के रास्ते हृदय में उतार लेने के लिए पूरी तरह सक्षम है। मन पर रंगों का कितना प्रभाव होता है ना, आंखों से हृदय तक का रास्ता कितनी आसानी से तय किया जा सकता है। आवश्यकता है तो केवल एक पहचान की, जो कलाकार को वास्तव में कलाकार बनाती है, लेखक को लेखक बनाती है, भावनाओं को हृदय की दहलीज को पार करवा कर कागज के कठोर धरातल पर स्याही के माध्यम से उकेर कर रख देती है। रंगों की गिरफ्त से छूटी तो कैलेंडर पर कृष्ण के स्वर्ण रथ से उड़ती भूरी भूरी धूल के गुब्बार में उलझ सी गई। धूल के उस गुब्बार पर रक्त जैसे लाल रंगों से संपूर्ण गीता का सार लिखा हुआ था। गीता अपने आप में कितनी संपूर्ण है ना, कितना कुछ कह जाती है सहज और सरल से शब्दों में। वास्तव में जनार्दन की गीता का एक एक शब्द मानस के पटल पर चुंबक की नाई स्थिर हो जाता है। वहां लिखा था, जैसे कपड़ा पुराना हो जाने पर बदल दिया जाता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर के जीर्ण हो जाने पर उसे बदल देती है। ना इसे कोई गीला कर सकता है, ना इसे कोई सुखा सकता है, ना ही इसे कोई काट सकता है और ना ही कोई जला सकता है। जला सकता है, जला सकता है, ये नाक में जलने की महक कैसी। जल गई डाल, फिर जल गई।